हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस विद सेजवान चटनी। मैंने सारा सामान यहाँ पर रेडी कर लिया है। ये रात के बने चावल हैं। चाइनीज खाने में अगर आप ऐसे लहसुन डालेंगे तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्पैचुला से लहसुन को अच्छे से प्रेस कर लें और फिर इसे क्रश भी कर लें। फ्लेम ऑन करें हाई पे। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालें, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का डालें, 1 हरी मिर्च और इसे भून लें, 2 बड़े प्याज इसे भी 2 मिनट के लिए भून लें, 1 कटी हुई शिमला मिर्च डाल दें, 1 हरा प्याज और 1 गाजर। सब्जियों को भून लें, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच सिरका। मिक्स कर लें और 1 मिनट के लिए भून लें। सब्जियों ने अपना तेल अब छोड़ दिया है। अब इसमें चावल डालें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। चिली फ्लेक्स डालें, इसे मिक्स करें और गैस को बंद कर दें। फ्लेम ऑन करें। पैन में डालें 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 हरी मिर्च, इन्हें भी फ्राई कर लें। इसी पैन में हाई फ्लेम पर पनीर के टुकड़े डालें, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक, नमक डाल दें, 1 छोटा चम्मच शिमला मिर्च डालें, 1 मिनट के लिए इसे भून लें और गैस को बंद कर दें। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। चावल डाल लें, भुने हुए पनीर के टुकड़े डाल दें एक साइड में, दूसरी साइड में टमाटर मिर्च लहसुन की चटनी डालें। ये मैंने घर पर ही बनाई है, अगली वीडियो इसी की होगी। भुनी हुई मिर्च के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी। थोड़े ट्विस्ट के साथ स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस बनके तैयार है। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही, मैं तो जा रही हूँ इन्हें खाने। ओके, बाय बाय गाइज़।